वही होंडा सिटी पीछे मैंने बिल्कुल प्यार से लॉन्च किया था। और ये रही अपनी वर्टस। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में शोरूम से स्टार्ट कर रहे हैं, देख सकते हो पीछे फोक्सवैगन का शोरूम है। और ये भाई जो है ना ये आया है दिल्ली से, ये भी और ये भी दोनों। तो सीन तो हमारा ये था भाई, 4 तारीख को डिलीवरी लेना था, बट आज कौन सा तारीख है भाई? एक अप्रैल है। और ये लोग बोल रहे हैं भाई डिलीवरी तुम्हारे लिए 21 तारीख को कल पहुंचे फ्लाइट। दोनों भाई ये तो एमआईटी नोएडा में पहले भी अपने वीडियो में देखा होगा। तो सीन ये है कि भाई डिलीवरी आज ही ले रहा, मतलब अचानक से प्लान बन गया। और भाई इन लोग को मैंने बोला कि भाई चलो ले लेते आज 1 अप्रैल के कारण ना, बहुत लोग को मैंने बताया तो बोल रहे हैं भाई आप शायद अप्रैल फूल बना रहे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ लगी पड़ी है लाल पर्दा के अंदर अपनी गाड़ी। थोड़ी देर में भाई पापा लोग आ रहे हैं, उसके बाद इसकी अनवील करेंगे। तो भाई क्या लगा गाड़ी तुमने पर तो देखा, कुछ अच्छा लगा या नहीं? वरना से कंपैरिजन करते सीधा, वरना बॉय बिल्कुल ही बहुत अच्छी है। वरना का मालिक है, हाँ वरना की एक्सपीरियंस आदमी है मैं, सेल्टोस का भी, सेल्टोस भी, i20 भी, सब कुछ। हाँ तो कंपैरिजन बताओ, पैसा लगा है, सामान दिया है, अब इससे तो कुछ पूछेगा नहीं भाई फॉर्च्यूनर वाला, इससे पूछ के कोई फायदा नहीं। देख रहे हो पेट निकल रहा है। 4 को भी, हाँ भाई इसकी गाड़ी 4 को डिलीवरी होने वाली है, स्कॉर्पियो एन ना भाई, 4x4 एक्सप्लोरर। तो भाई इसका नंबर का तो सीन पता नहीं, बट मेरा जो नंबर है ना, मतलब लोग 6969 बोल रहे थे, 69 भी बोल रहे थे, बट मेरा जो नंबर है, जो भी इसको डिकोड करेंगे ना वो उससे भी गंदा होने वाला है। तो वो आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी शायद नंबर अगर लगा, मुझे भी नहीं पता, गाड़ी मैंने अभी अंदर नहीं देखा, अगर नंबर प्लेट लगा होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, नहीं लगा होगा गाइस तो आपको आप कमिंग डेज में भाई दिखेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो फिलहाल वेट करते हैं सभी लोग के आने का, उसके बाद फिर यहाँ से लेंगे हम लोग डिलीवरी भाई। तो चलो अब चल रहे हैं भाई, इसको अनवील करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। सो गाइस, तो अभी आपने देखा भाई हमने केक वगैरह सब कुछ काट लिया। फिलहाल भैया जो है गाड़ी बाहर तक निकाल देंगे उधर तक, एंड उसके बाद फिर लेकर निकलेंगे, जाना है अभी मंदिर, पूजा वगैरह कराएंगे। गाड़ी को लेकर आ चुके हम लोग मंदिर, अभी भाई अंदर गए, पंडित जी आ रहे हैं, एंड फिलहाल आपको यहाँ दिखाते हैं, हमने फ्यूल अप कराया एंड टोटल 4500 का फ्यूल आया लगभग, एंड गाड़ी में जो भी कुछ फ्यूल पहले से थी। अभी जो रेंज शो कर रहा है भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, अभी फिलहाल 530 किलोमीटर का रेंज शो कर रहा है। मुझे भाई अनलकली नॉर्मल फ्यूल ही मिला, अदरवाइज आई वॉज सर्चिंग रियर टायर इशू भाई, मतलब पीछे हवा कम है शायद, तो वो भी अभी करा लेंगे, अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा था फिलहाल। तो पूजा वजा कराते हैं, उसके बाद भाई अभी थोड़ा फैमिली के साथ है तो प्यार से चला रहे, बाकी आप सबको पता है GT लिया हमने तो और भी प्यार से चलाना पड़ेगा। फिलहाल बोनेट खोल के आपको इसका इंजन दिखाते हैं। तो कुछ ये रहा भाई, देख सकते हो 1.5 टर्बो, मतलब अपनी जो वर्टस GT है उसका ये इंजन है। तो पूजा वजा कराते हैं यहाँ से। तो अभी आप देख सकते हो यार हमने पूजा वगैरह सब कुछ करा लिया गाड़ी का बहुत अच्छे से, एंड जितने लोगों ने भाई इंस्टाग्राम पे विशेष किए सब कुछ, थैंक यू सो मच। एंड फिलहाल अभी जा रहे हैं थोड़ा गेड़ी वेड़ी मारेंगे भाई, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया लिटरली बता रहा हूँ, तो अभी खाएंगे, भूख लगी काफ़ी तेज। तो फिलहाल चल रहे हैं मरीन ड्राइव की तरफ, वहीं पे कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, उसके बाद जाएंगे वापस घर पे। बाकी सारे लोग को मैंने छोड़ दिया है, आई एम विथ सम फ्रेंड्स, बस फिलहाल जल्दी से पहुँचते मरीन ड्राइव, वहाँ का कुछ व्यू दिखाते। बाकी ये देख सकते हो पूजा वगैरह हो चुका है पूरा फिलहाल अपनी गाड़ी पर। एंड भाई सीरियसली बता रहा हूँ आज का दिन मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में, एंड लिटरली बहुत सारा चीज़ हुआ, अप्स एंड डाउन्स सब कुछ करके फाइनली हमने भाई से ले ही लिया। तो चलो अब जल्दी आगे की तरफ चलते हैं मरीन ड्राइव की तरफ। भाई खाने के लिए ना हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं कहीं पार्किंग मिल जाए, एंड इधर भाई देख लो, मतलब पूरे गोलंबर से लेकर इधर आगे तक भाई पूरी पार्किंग फुल है, एंड भाई आज कुछ ज़्यादा ही रश है, देख सकते हो भाई कहाँ तक, एकदम आगे तक रश है, कहीं पर भी पार्किंग नहीं मिल रही हमें।
यहाँ पे भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता गाड़ी रोड पे लगाना यार, मतलब ऐसा रोड पे करके साइड में लग गया तो ज्यादा बेटर है। फुल पैक है, नहीं होगा तो भाई फिर वापस घर पे ही चल के खाएंगे। तो गाइस तो अभी सीन ये हो रखा ना, हमने सोचा था भाई घर जाकर खाएंगे, बट उससे पहले यहाँ मिल गया होंडा सिटी, फ्रेंड का ही है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई डे वन ही ड्राइव कर दी जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये गई होंडा सिटी पीछे, मैंने बिल्कुल प्यार से लॉन्च किया था। ये रही होंडा सिटी और ये रही अपनी वर्टस, दैट्स इट। तो ये भाई देखो, अभी हमने इससे ज़्यादा नहीं भगाया क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता है नई गाड़ी है, बट स्टिल एक बार ना वो हमने चेक करा इनिशियल में कैसी परफॉर्म कर रही है। एंड सबसे मस्त चीज़ तो मुझे ये लगा ना, सीरियसली बता रहा हूँ, इस तरीके से निकली ना वो, तो भाई मैनुअल है ये, DSG होकर भी कितनी प्यार से निकली, मज़ा आ गया कसम से बता रहा हूँ। एंड ज़्यादा लॉन्ग रन में भी करेंगे तो आप सबको पता है वर्टस ही विनर होगी। तो ये बस जस्ट फॉर फन था भाई, दिल पे मत लेना होंडा सिटी लवर्स। और ये रहा भाई तो उसका शक्ल देखने लायक है। तो फाइनली वापस घर आ चुके हैं, एंड सीरियसली बता रहा टाइम एक बार चेक करते हो भाई, रात के ना 11:30 बज चुके हैं। एंड सारे फ्रेंड लोग से मिलते मिलते सारे लोग ने भाई इतना ज़्यादा विशेष किए भाई इंस्टाग्राम पे, सीरियसली बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भाई इतने लोगों ने मेंशन किया, मैं सोच रहा हूँ भाई किस किस को मेंशन करूँ भाई, सभी को शुक्रिया, सबको मेंशन तो नहीं कर सकता फिलहाल, बट अभी घर आ चुके हैं भाई, जाकर अभी मैं डिनर करूँगा। सुबह से भाई लिटरली बाहर मतलब जो भी खाया थोड़ा बहुत खाया, प्रॉपर अभी तक अच्छे से खाना नहीं खाया सुबह से, एंड हालत बहुत ही ख़राब हुई पड़ी थी। कल भी भाई समझ लो चैन नहीं है, कल संडे जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे, कल हमें गाड़ी में बहुत सारी काम करवानी है, वो भी भाई इंपॉर्टेंट है। एंड ये हाल देख सकते हो वाइट टी शर्ट का क्या हुआ है, तो समझ लो कितना पसीना बहा होगा। एंड सीरियसली बता रहा हूँ आई एम सो मच ब्लेस्ड कि आप लोग की वजह से भाई ये सब हो पाया है। एंड एक और चीज़ भाई, आई विश एवरीवन कि भाई सब लोग अपने लाइफ में सक्सेस करो, ऐसे तरक्की करो। एंड भाई ये गाड़ियाँ जो है ना भाई, ये शौक की चीज़ें हैं, आप लोग ऐसे अपनी शौक पूरी करते रहो भाई। मेरा भी बहुत टाइम से एक ड्रीम था कि भाई अपने पास एक कार हो, एंड लिटरली मैं बोलते हुए भाई ना अभी शेवर कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ है क्योंकि इट्स माई फर्स्ट कार, आप देख सकते हो। तो कुछ ये सीन है, मैं सच बताऊँ तो मतलब मैंने सोचा नहीं था ये सब भी पॉसिबल हो पाएगा, पहले सुपर बाइक फिर उसके बाद कार, वो भी भाई मतलब मैंने जो कार सोचा था वो कार, अगर दूसरी कार लेना होता तो मैं आराम से कैश पे उठा सकता था, बट भाई इस कार के लिए तो आप सबको पता है भाई ऑब्वियसली बात है लोन हमने कराया था। बट एक और चीज़ देखो, नंबर जिन्हें पता है ना भाई यहाँ से शायद नहीं दिख रही है, बाकी इंस्टाग्राम पे बहुत लोग को पता चल चुका नंबर, नहीं पता तो भाई मैं बता देता हूँ, 00 बस आगे का 2 डिजिट आप लोग गेस कर लेना, अगले वीडियो में मिल जाएगा। एंड हमने ड्रैग भी कर दिया, मतलब गाड़ी लेते के साथ ड्रैग कौन करता है भाई, मैंने लेते के साथ डिलीवरी के बाद ही ड्रैग कर दिया, ये मेरे लिए भाई थोड़ा ये था मतलब लाइक आई वॉज टेकिंग द रिस्क, बट काफ़ी मज़ा आया सीरियसली। मैंने ना इनिशियल में पूरा प्रेस नहीं किया था, पंजा नहीं दबाया था पूरा, बट लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट आपने देखा भाई, होंडा सिटी से काफ़ी आगे निकल जाती है, ऑल्दो दोनों का इंजन बहुत डिफरेंट है। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो चलो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर, एंड जितने भी लोग ने विशेष किया सबको फिर से दिल से शुक्रिया। मिलते गाइज फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, अंटिल देन बाय बाय, राइड सेफ, एंड अब तो ड्राइव सेफ भी बोलना पड़ेगा, ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ, एंड राइड हार्ड, ड्राइव हार्ड मत करना, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा।